सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रयासरत एनटीपीसी सोलापुर आसपास के गांव में अनेक स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा आदि के अनेक कार्यक्रम चला रहा है। फताटेवाड़ी गांव में रहने वाली करीना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसने जिला परिषद स्कूल के 32 छात्राओं के साथ एनटीपीसी के निवासीय बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यशाला में भाग लिया। प्रतिभा से भरी करीना का चयन दो अन्य सर्वोत्कृष्ट बालिकाओं के साथ एनटीपीसी सोलापुर के केएलई जैसे बड़े हाई स्कूल में मुफ्त शिक्षा के लिए हुआ। बेहद निम्न वर्गीय परिवार से आने वाली करीना के लिए यह एक सुखद सपने जैसा जीवन बदलने वाला अवसर है। Can you answer one question for me? सहस्रा, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? करण, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। श्रावणी, पावर इंजीनियर। गुड। करीना, पावर इंजीनियर। आपको पता है पावर इंजीनियर का मतलब क्या होता है? बिजली बनाने वाले। आपको पता है बिजली कैसे बनती है? नहीं। क्या आप जानना चाहते हो बिजली कैसे बनती है? Yes, ma'am. तो कल आप लोग अपने स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे और हम लोग एनटीपीसी प्लांट जाएंगे ये जानने के लिए कि बिजली कैसे बनती है। हेलो सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। बच्चों, ये जो सर है वो पावर इंजीनियर है और ये आज हमें बताने वाले हैं कि एनटीपीसी में बिजली कैसे बनाई जाती है। पावर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। सुरक्षा में क्या आता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अपने सिर पे हमेशा हेलमेट होना चाहिए, बॉडी पे जैकेट होना चाहिए, पैरों में सेफ्टी शू होना चाहिए। अपनी सुरक्षा कैसे करनी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जो भी असुरक्षित कार्य देखूंगा उस पर अविलंब कार्रवाई करूंगा। बेटा, यही पावर प्लांट है, यहीं पर बिजली बनती है। आप जब पावर इंजीनियर बनोगे आप भी यही काम करोगे। आपको देखना है पावर प्लांट? चलिए हम आपको दिखाते हैं। बिजली बनने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, हवा, पानी और कोयला। माइन से रेलवे के थ्रू कोयला आता है और यहाँ पर हम उसे क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद इसे यहाँ पर स्टॉक में रखा जाता है। यहाँ पर आप लंबी लंबी ये कन्वेयर बेल्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसके थ्रू कोयला यहाँ से लेकर हम फर्नेस में ले जाएंगे जहाँ पर कोयले को जलाया जाएगा। तो जब आप कोयला जलाते हो तो पोल्यूशन भी होता होगा ना? उस पोल्यूशन को रोकने के लिए आप देख सकती हो हमने कितनी ऊंची चिमनी यहाँ पर लगा रखी है। इस चिमनी के थ्रू वो धुआं हवा में उड़ जाता है। सर, आज तो बहुत मजा आया। बेटा, यही कंट्रोल रूम है, यहीं से पूरे प्लांट को कंट्रोल किया जाता है। किस तरह कंट्रोल करते हैं आओ आपको बताता हूँ। कोयले पर आधारित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित है। यह विद्युत उत्पादन इकाई 5 प्रमुख प्रणालियों से मिलकर बनी है। ये हैं कोयला प्रणाली, जल प्रणाली, भाप एवं विद्युत उत्पादन प्रणाली, विद्युत वितरण प्रणाली और फ्ल्यू गैस एवं राख प्रणाली। कोयला प्रणाली। कोयला खदानों से कोयला भारतीय रेलवे के माध्यम से सोलापुर पावर स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। रेलवे वैगनों से कोयले को वैगन टिप्लरों की मदद से एक एक करके खाली कर दिया जाता है। कोयले के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए कोयला कन्वेयर बेल्ट द्वारा क्रशर गृह तक पहुंचाया जाता है। इन कोयले के टुकड़ों को बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से मध्यवर्ती भंडारण के लिए कोयला बंकरों में ले जाया जाता है।
अधिशेष कोयले को स्टैकर रिक्लेमर की मदद से कोयला यार्ड में जमा किया जाता है और जब भी आवश्यकता होती है तब कोयले को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जल प्रणाली। भीमा नदी पर स्थित उज्जैनी बांध से पानी को 217 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों के माध्यम से संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। पानी को 2 जलाशयों में संग्रहित किया जाता है जिनकी कुल क्षमता लगभग 7.4 लाख घन मीटर है। जलाशय के पानी का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए शुद्ध पानी तथा डीमिनरलाइज पानी के उत्पादन के लिए किया जाता है। पानी को ग्रेट फिल्टर, सक्रिय कार्बन फिल्टर एवं विभिन्न रसायनों से गुजारने के बाद सभी आयनों से मुक्त डीमिनरलाइज पानी का उत्पादन होता है जिसे बॉयलर में उपयोग करते हैं। भाप एवं विद्युत उत्पादन प्रणाली। बंकरों से कोयले को कोयला मिल में बारीक चूर्ण बनाने के लिए भेजा जाता है। बारीक कोयले को भट्टी में पहुंचाया जाता है। कोयला जलाने से निकलने वाली ऊष्मा पानी को बॉयलर में उच्च दबाव और उच्च तापमान वाली भाप में परिवर्तित कर देती है। यह उच्च दबाव और उच्च तापमान की भाप जनरेटर के साथ जुड़ी हुई टरबाइन में भेजी जाती है। इन टरबाइनों में भाप में संग्रहित उष्ण ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और अंत में जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। टरबाइनों में भाप के विस्तार के बाद भाप को कंडेंसर में संग्रहित किया जाता है। इस भाप से बने पानी को वापस डी एरिएटर के माध्यम से वापस बॉयलर में पंप किया जाता है। कंडेंसर से निकलने वाला गर्म ठंडा पानी कूलिंग टावरों में नालिकाओं द्वारा बूंदों के रूप में छिड़काव करके वापस ठंडा किया जाता है। विद्युत वितरण प्रणाली। जनरेटर द्वारा उत्पादित बिजली अंततः स्विच यार्ड के माध्यम से ग्रिड में वितरण के लिए भेज दी जाती है। फ्ल्यू गैस एवं राख प्रणाली। राख का लगभग 20% राख हॉपर में भट्टी के तल पर गिरता है जो पानी से भरा होता है और राख एवं पानी के मिश्रण को घोल के रूप में राख संग्रहण करने के लिए निर्माण किए गए तालाब में ले जाया जाता है। फ्लाई ऐश को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के माध्यम से शुष्क रूप में ESP हॉपर द्वारा साइलो में स्थानांतरित कर सीमेंट और निर्माण उद्योगों जैसे विभिन्न उद्योगों में उपयोग के लिए ढककर ट्रकों या वैगनों द्वारा भेजा जाता है। ESP से बची हुई फ्ल्यू गैस को फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम में भेजा जाता है जिससे सल्फर का उत्सर्जन कम हो जाता है और फिर सुरक्षित फैलाव के लिए ऊंची चिमनी से छोड़ा जाता है। फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन का बाय प्रोडक्ट जिप्सम है जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर, जिप्सम ब्लॉक आदि के लिए किया जाता है। NTPC का मंत्र है गो ग्रीन। NTPC ऐसी नीति का पालन करता है जिसमें नई प्रौद्योगिकी की परिकल्पना होती है और संसाधनों का कुशल उपयोग होने के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है। NTPC सोलापुर। इस तरह वो पूरे देश को रोशन करती है। हम भी हमारे देश को रोशन करेंगे। वेरी गुड। आज आसपास के गांव में छात्राओं के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट है। यहाँ पे तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं और यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ भी हैं। NTPC ने यहाँ पर कई पेड़ और पौधे लगाए हैं ताकि आप जैसे बच्चे यहाँ पर खिले और खेले। हम जरूर पावर इंजीनियर बनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू NTPC। बाय बाय सर, ऑल द बेस्ट। ओके सर। हो सकता है भविष्य में ये छात्र भी NTPC में पावर इंजीनियर बने और देश को रोशन करें जैसे NTPC आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। NTPC सोलापुर।